अफरीन को कह के खुशी करवा रहा हूँ, लेकिन पूरे 30 दिन के बाद जो 10वां दिन आएगा वो आशूरा होगा। इतने वक्त में मोहम्मद पूरे दिन को कामिल कर देगा, उस पर उसका नवासा मुहर लगाएगा। मुहर लगाने में कोई फिदिया अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा, हर एक को खुद ही फिदिया बन के पेश करना पड़ेगा। इसीलिए अली अकबर रसूल बन गए। जनाब ज़ैनब सैयदा बन गई है। क्या क्या अर्ज करूं, हर एक के रस में एक एक फिदिया था। अब्दुल्ला न जा सके, अब्दुल्ला न जा सके तो कहा ए शहजादी, एक फिदिया तेरी तरफ से होगा, एक फिदिया मेरी तरफ से। दोनों बेटों में से एक बाप की तरफ से एक माँ की तरफ से फिदिया। हजरत अली की शहादत हो चुकी है, अली का फिदिया कौन हो? तो अल्लाह ने हूबहू अली बना के अब्बास को भेजा के तू जा, तू मेरी तरफ से फिदिया होगा। हाँ आजादारो, अब्बास एक ऐसी जात का नाम था तो जो फिदिया एक की तरफ से नहीं था, दो की तरफ से था। आजादारो, उम्मे कुलसूम का फिदिया था। उम्मे कुलसूम साहब औलाद न थी। अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ नहीं किया उम्मे कुलसूम ने, लेकिन कुदरत इलाही को तो इल्म था कि कुलसूम अपने नफ्स पे तड़प रही है। लिहाजा अब्बास के जहन में वही रिहानी पेश करके कहा, ए बहन मत रो, मत गम करो, खाली के कायनात ने तुम्हारी तरफ से फिदिया मुझे करार दिया, मैं बाबा का भी फिदिया हूँ और अपने आपकी तरफ से भी फिदिया हूँ। आगादारों ये फिदिया चला और हर एक ने रोज आशूर ऐसी नूर की काश्तकारी की जो कयामत का इस नूर को कोई अलग नहीं कर सकता। आजादारो हर एक 72 ने अपना अपना फिदिया पेश किया। आखिर में सैयद शोहदा मरमाने का आजार की तरफ आए, वो यही कह रहे थे तुम्हारा मकसूद है मुझे ज़िबा करना, तो बराए कराम थोड़ा सा एक चुल्लो पानी में अलग में डाल दो, अरे तुम्हारी छुरी मेरे होश के गर्दन पर न चल पाएंगे। अदालारो शेर मलाओ ने कहा पानी लाओ, पानी आया। शायद हुसैन ने सोचा ये मेरे हलक में चमकाएगा, लेकिन